एक बुढ़िया थी जिसके साथ बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा कुचा झूठन खिलाती थी। परंतु वह भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो, चाहे तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्यौहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बैठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं, इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का थापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 से रात के 12 तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेनदेन और हिसाब किताब रखने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने में आधा मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। बारह वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगें। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद, वर मिले व बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी व गुड़ और चना ले लिया।
उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगे, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। ये शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक से कोड़ के कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना, देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसे माता ने कहा है वैसे करने में का डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करने घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ जाया। थोड़ी ही देर में सारा लेनदेन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज़ लकड़ियाँ लेने जाती और रोज़ संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के तीन बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुककर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डाल कर जोर जोर से तीन आवाज़ें लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? उसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने ले लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन, अपनी
माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के सामान ठाट बाट वाली बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो, जल्दी से उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखला दिया, तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीमकर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह बोली, कुछ ना समझ सकी, उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वो इमली की खटाई मांगा कर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में दल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसी रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था, वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगे। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज़ यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूँ, इसका सासरा देखूँ। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़बा चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान ओंठ, जिन पर मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थीं। इसी सूरत में वह उसके घर गईं। दहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो, कोई डायन आ रही है।
इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। साथ में लड़के की ओर बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे ही घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया है। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नज़र आने लगे। बहू बोली, सासू जी मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वो ही संतोषी माता हैं। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई, बहू को जैसा फल दिया वैसे